एक कोला कंपनी ने विचार किया कि विश्व भर में वो लोग कोला का वितरण करेंगे। मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने प्रयास किया और उनके एड कैंपेन में उन्होंने 3 चित्र बनाए। पहले चित्र में एक सज्जन ऊँट के ऊपर बैठकर सवार थे, बहुत गर्मी थी, परेशान थे, चेहरे में मायूसी और मलानी के चिन्ह थे। दूसरे चित्र में उनके हाथ में कोला आ गया, पीने लगे, और तीसरे चित्र में उनका मुख प्रफुल्लित लग रहा था, प्रसन्न लग रहे थे। दुर्भाग्यवश कोला का सेल बढ़ा नहीं। किसी ने कहा कि अरबी देशों में लोग बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं पढ़ते हैं, और इसलिए इस कोला को देखकर सबसे पहले सब सोच रहे हैं कि व्यक्ति प्रसन्न है, फिर उसके हाथ में कोला आया, फिर उसके बाद मायूस हो गया, दाएं से बायां देखा, संदेश का अर्थ बदल गया। गीता में कृष्ण कहते हैं, मया धक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। वो कहते हैं कि संपूर्ण जगत का मैं नियंत्रण कर रहा हूं। भगवान की भाषा बड़ी स्पष्ट है, लेकिन इसको सुनकर किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही संपूर्ण जगत को नियंत्रित कर रहा हूं। ये कितनी सही बात बताई है। तो इसलिए जब भी कोई संदेश दिया जाए, उस संदेश को यथारूप स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले में और समझने वाले में, दोनों के संदेश के समझ में अगर अंतर हो गया तो फिर अर्थ का निरर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आइए हम गीता के इन शब्दों को यथारूप समझने का प्रयास करें। एक सज्जन नदी पार कर रहे थे नौका में। उनके बगल में एक बहुत बड़ा पहलवान बैठा। सज्जन ने उनसे पूछा, समय कितना हुआ? पहलवान ने एक बड़ा भयंकर मुक्का मारा सर पे। सर चकराने लगा। आसपास बैठे लोग कहने लगे, आपके साथ ऐसा अन्यायपूर्वक बर्ताव हुआ है, इसका कुछ प्रतिकार कीजिए। तो सज्जन ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैंने तो आपसे केवल समय पूछा। इस बात को सुनकर पहलवान साहब कहे कि मैंने आपको समय बताया, अभी ठीक 1 बजे हैं, और इसलिए मैंने आपको एक इतना जोर का मुक्का मारा समझाने के लिए कि समय क्या हुआ है। इस बात को सुनकर बाकी लोग कहने लगे, कीजिए कीजिए, आप कुछ प्रतिकार कीजिए, या न्याय है। सज्जन शांत भाव से उनको कहने लगे, मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैंने 1 घंटा पूर्व इनसे समय नहीं पूछा, नहीं तो 12 बार लगती थी। गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा आपायनो अनित्य कांति दीक्षा सुभारत। जैसे मौसमें परिवर्तित होती हैं, कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी वर्षा, उसी प्रकार हम सभी के जीवन में सुख दुख भी ऐसे मौसमी परिवर्तन की भांति निरंतर बदलती रहती हैं। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ जब संपर्क होता है तो हमारी अपेक्षा होती है कि उस संपर्क से सुख की अभिलाषा पूर्ण हो, लेकिन इंद्रियों का इंद्रिय विषय भोगों के साथ संपर्क से हमेशा सुख का परिणाम उत्पन्न नहीं, कई बार अपेक्षा के विपरीत परिणाम होता है, और वो हमारे दुख का कारण बनता है। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको जूझा जा सकता है, कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको भविष्य के लिए टालना पड़ता है, और कई समस्याएं ऐसी हैं जिसके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उनको सहन ही करना पड़ता है। आइए हम सहनशीलता की शक्ति को अपने जीवन में उतारें और कर्तव्य परायणता के साथ हम अपना जीवन व्यापन करने का प्रयास करें। रामायण में एक सुंदर कथा आती है, रावण विभीषण के घर पर जाते हैं। रावण को आशंका होती है कि विभीषण राम की भक्ति में इतने लीन तो नहीं हो गए कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। विभीषण के घर में प्रवेश करने पर रावण देखकर अवाक रह जाते हैं कि विभीषण के घर के हर दीवार पर
राम नाम छाया हुआ है, हर इंच इंच पर राम का नाम लिखा हुआ है। इसको देखकर रावण क्रोधावेश में आकर झल्ला उठते हैं। कह रहे, विभीषण मेरे नालायक भाई, तुमको क्या है? अपने ही शत्रु का नाम लिखने में इतना दुस्साहस कहां से आ गया? विभीषण कहते, अरे भैया आप इतना क्रोधावेश में क्यों आ रहे हो? आपको क्या लगता है ये जो मैंने रामा रामा लिखा है ये वो रामा है? अरे नहीं। तो रावण कहते हैं, अगर वो रामा नहीं थे कौन से रामा है? विभीषण कहते हैं, इस रामा नाम में रा शब्द का अर्थ है रावण और मां शब्द का अर्थ है मांडोदरी। अरे रावण आप समझो, मैं आपका भाई हूं। रावणा मंडोदरी, रावणा मंडोदरी इस तरह लिख दिया है। इसको सुनकर रावण मुस्कुराने लगे, प्रसन्नचित हो गए और जाकर संपूर्ण लंका में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लंका के हर घर के हर दीवार पर रामा 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 नाम उद्घोषित हो। इस प्रकार विभीषण ने एक नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर दिया। इसको कहते हैं विभीषण का चातुर्य, विभीषण की सकारात्मक वृत्ति। भागवत वर्णन करता है, नहि अस्य कर्हिचित राजन पुमान वेद विदित्सितम् यत् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। भागवत वर्णन करता है कि चाहे कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, हम अपने ही बुद्धि से, अपने ही प्रयासों से अपना भाग्य का उदय नहीं कर सकते। जैसा भी जीवन में सौभाग्य दुर्भाग्य आए, उस विकट परिस्थिति को एक अवसर मानकर उसको भगवान और समाज की सेवा में एक सकारात्मक मोड़ देना, ये हर बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। आइए भागवत के और रामायण के इन प्रेरणादायक प्रसंगों से आश्रय प्राप्त करके हम अपने जीवन में भी एक ऐसा ही सकारात्मक मोड़ दें। एक सज्जन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक शहर में निवास करते थे। बाहर किसी देश में उनको नौकरी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए वहाँ चले गए और अपने एक मित्र से कह गए कि मेरी बूढ़ी माँ का देखभाल करते रहना, हालचाल पूछते रहना। हाँ, इस सज्जन का अपना एक छोटा सा बिल्ली भी था जो उसको बड़ा प्यारा था, बहुत प्रिय था। दूसरे देश में जाने के पश्चात कुछ दिनों के बाद उनको एक पत्र प्राप्त हुआ। देखा, मित्र ने पत्र भेजा। पत्र खोल के देखा, उसमें लिखा था, प्रिय मित्र, बड़े खेद की बात है कि आपकी बिल्ली मर गई। इनको बड़ा खेद हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, लेकिन साथ साथ क्रोध से पूर्ण होकर उन्होंने प्रत्युत्तर लिखा और उसमें लिखने लगे, प्रिय मित्र, आपने मुझे ऐसा समाचार दिया, बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि ऐसे समाचार को किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए। हाँ, माना कि बिल्ली मर गई, इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा लिख दो बिल्ली मर गई। आपको पहला पत्र लिखना चाहिए कि प्रिय मित्र, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपकी बिल्ली कभी कभी छत के ऊपर चलती है। फिर दूसरा पत्र लिखो कुछ दिनों के बाद, प्रिय मित्र, आपकी बिल्ली छत के ऊपर चलते चलते एक दिन गिर गई, उसे कुछ चोट लगी। फिर एक और पत्र लिखो कुछ दिनों के बाद, वो चोट लगने के बाद अभी तक ठीक नहीं हुई, अस्पताल में हम लेके जाके चिकित्सा कर रहे हैं। फिर एक और पत्र लिखो कुछ दिनों के बाद, चिकित्सा करने का भरपूर प्रयास किया लेकिन विफल हुए और अब बेचारी बिल्ली मर गई। हम सभी बहुत शोक मना रहे हैं। इस प्रकार दुख को व्यक्त करना चाहिए, नहीं कि बिल्ली मर गई। इस तरह पत्र लिख दिया तो कुछ दिनों के बाद वापस मित्र का पत्र आया, प्रिय मित्र, सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी माँ कभी कभी छत पर चलती है। अब सोच लीजिए कि चाहे इस प्रकार या उस प्रकार हमारे जीवन की वास्तविकता को कौन रोक सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, ये भौतिक जगत है,
दुखालयम अशाश्वतम। और इस जगत के मूल दुख हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। मानव जीवन प्राप्त हुआ है इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए और जीवात्मा के वास्तविक कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए। आइए हम योग के माध्यम से अपने आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जोड़ने का प्रयास आरंभ करें और मानव जीवन का प्रत्येक बहुमूल्य क्षण का सदुपयोग करें। एक नन्हा सा शिशु था, कम उम्र में उसका किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में बायां हाथ कट गया। केवल उसका दायां हाथ था, लेकिन उसके हृदय में भाव था कि मैं जूडो का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनूं। तो वो एक जूडो टीचर के पास गए और टीचर भी बड़े आशावादी थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आपका एक ही हाथ है, फिर भी हम आप उसमें निपुण बनाएंगे। तो उन्होंने उस लड़के को केवल एक स्टेप सिखाया और लड़का पूछता था कि सर, ये तो आपने हमें सिखा दिया, लेकिन इसके आगे भी कोई स्टेप है क्या? टीचर कहते थे, एक जो स्टेप सिखाया वो पर्याप्त है आपके लिए। और वो उस एक स्टेप में इतने निपुण हो गए कि टीचर ने कहा, अब हम आपको कंपटीशन में उतारेंगे। तो जूडो की एक स्पर्धा हुई, इसमें वो प्रवेश किए। सबने अपेक्षा की कि कुछ ही समय में पराजित हो जाएंगे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि देखते देखते हर राउंड में वो अपने विपक्षी दल को हराते हुए, पराजित करते हुए फाइनल तक पहुंच गए। और ये लड़का सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, केवल एक हाथ है और केवल एक स्टेप मैं जानता हूं, फिर भी मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। उस कंपटीशन के फाइनल में पूरे दुनिया को उन्होंने विस्मित कर दिया, अपने विपक्षी दल को पराजित कर, और ट्रॉफी लेके आए, गुरु को समर्पित किया और उनको पूछा कि ये कैसे संभव हो पाया, मुझसे तो स्वीकार नहीं हो रहा कि मैं कैसे जीत गया। तो उनके जूडो टीचर ने कहा, बेटा, मैंने आपको जो एक स्टेप सिखाया, याद रखना कि उस एक स्टेप को आपने पूर्णतः स्वीकार किया और उसमें निपुण हो गए, पारंगत हो गए। दूसरा, ये जो स्टेप आपको जो सिखाया, ये जूडो के कितने ही एक्शन में बहुत ही शक्तिशाली स्टेप्स में से एक है। और तीसरा, इस स्टेप को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है। जब आप विपक्षी दल के ऊपर आक्रमण करते हो, तो अगर उसको बचना है तो वो आपके बाएं हाथ को पकड़ेगा, तभी वो इस आक्रमण से बच सकता है। और दैववश आपका बायां हाथ है नहीं। तो विपक्षी दल के सदस्य कई बार बहुत प्रयास कर करके बायां हाथ खोजते हुए परेशान होकर पराजित हो जाते। देखिए, हमारे जीवन में कई कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बीच भी हम आशावादी होकर शक्ति को ढूंढ सकते हैं। वर्णन का आया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इस कलयुग में विविध प्रकार के दोष हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कई कमियां हैं। हम लोग हर प्रकार से विविध प्रकार के अवगुणों से युक्त हैं, लेकिन इन सभी दोष और अवगुणों के बीच एक बहुत बड़ा गुण है। कलयुग की शक्ति क्या है कि केवल हरिनाम का आश्रय लेकर, शब्द ध्वनि का आश्रय लेकर हम इस विशाल भवसागर को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए इस कलयुग में, दोषों के सागर में, हम दोषों को देखकर नकारात्मक वृत्ति न अपनाएं, मन में आशावादी भाव के साथ केवल हरिनाम का अवलंबन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।